नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। कन्नौज में जमीनी विवाद में हुई है भाई की निर्मम हत्या। देर रात घर में घुसकर बेलचे से की गई हत्या। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। कानपुर में चोरी की घटना का फर्जी खुलासा कर रोला पुलिस ने थपथपाई अपनी पीठ। चोरों की मेहरबानी कर दूसरों को भेजा गया जेल। फर्जी खुलासे से टूटा पीड़ित का भरोसा। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद अलीगढ़ में कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी की सदस्यता जारी करने की मांग। गाजीपुर के विद्यालयों में छात्रों का लकड़ी ढोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खिचड़ी बनाने के लिए बच्चों से मंगवाई गई थी लकड़ियां। वीडियो में कलम किताब की जगह हाथों में लकड़ियां नजर आई। सिद्धार्थनगर जिले में विवाहिता ने लगाई यह फांसी। पारिवारिक कलह आत्महत्या की वजह। बेटियों के सिर से हटा मां का साया। गाजीपुर में हेरोइन के तस्कर पर प्रशासन का शिकंजा। सरफराज अंसारी की 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त। आगरा में बीजेपी प्रदेश महामंत्री का स्वागत कार्यक्रम। जगह जगह स्वागत से कई किलोमीटर लंबा लगा जाम। नेशनल हाईवे पर भीषण जाम से आहत हुए लोग। बाराबंकी में शिक्षिका से बीएसए ने उठाई सैंडल। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। सरस्वती पूजन के समय सैंडल उतारकर भूल गए थे बीएसए। फरुखाबाद में युवती का शव मिलने से हड़कंप। अज्ञात ने हत्या कर फेंका है यह शव। पहचान छिपाने के लिए युवती के चेहरे को केमिकल से जलाया गया। सहारनपुर में बिजली कर्मी की मौत से गुस्सा है ग्रामीण। ग्रामीणों ने लगाया देवबंद। ननौता मार्ग पर जाम। लाइन पर बिजली ठीक करते समय कर्मचारी की हो गई थी मौत। मिर्जापुर में 31 साल पुराने मामले में आया नया फैसला। थाना अध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मियों को मिली है सजा। 5 साल के लिए जेल भेजे गए। मिर्जापुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जमकर पिटाई। पेड़ से बांधकर लोगों ने की है प्रेमी की जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांदा में जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने संभाला है पदभार। ट्रेजेडी कार्यालय पहुंचकर संभाला गया कार्यभार। देहरादून के राजपुर में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट। बीती रात मिला था युवक का शव। देहरादून में 1 किलो 15 ग्राम अवैध चरस बरामद। चरस की कीमत बताई जा रही है 5 लाख रुपए। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में पुलिस और एनजीओ कर्मियों के बीच विवाद। पुलिस और एनजीओ कर्मियों ने किया अभद्र टिप्पणी। पुलिस के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। महिला पुलिस कर्मियों पर भी अभद्र टिप्पणी। आजमगढ़ में प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। माफिया की कुर्की गई जमीन 3 बार खरीदी गई और बेची गई। मिर्जापुर में दुकान में घुसकर बदमाशों ने की मारपीट। ऑटो चालक को लेकर बड़ा था विवाद। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्रकार वार्ता कर पुलिस ने किया खुलासा। पानी मांगने को लेकर दुकानदार से हुआ था विवाद। अलीगढ़ में 2 गांजा तस्कर हुए गिरफ्तार। 16.25 किलोग्राम गांजा बरामद। आगे की जांच पड़ताल शुरू। अलीगढ़ में परिवार के ही 2 पक्ष आमने सामने। जमीनी विवाद को लेकर हुआ था हंगामा। जमकर हुई मारपीट। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार में लाखों रुपए की रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के नाम पर मांगी गई रंगदारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज बागपत रोड स्थित हरमन सिटी में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय पर पार्टी नेताओं संग एक बैठक की है। और बैठक में डिप्टी सीएम ने नगर निकाय चुनाव जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि बूथ मैनेजमेंट पर काम होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि बूथ पर जीत लो समझो, निकाय चुनाव में विजयी कोई नहीं रोक सकता। और वही कैबिनेट मंत्री एके शर्मा आजमगढ़ दौरे पर हैं। और आपको बता दें कि आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर अरविंद कुमार शर्मा ने कहा है कि आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई। आरक्षण की जो अधिसूचना है उसमें 6 तारीख की शाम तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया। जो भी आपत्तियां आएंगी 1 या 2 दिन में उसका निस्तारण भी करेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में आपको जैसा कि बताया गया था परसों इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरक्षण की जो अधिसूचना है उसमें 6 तारीख तक 6 बजे 6 तारीख की 6 बजे शाम तक आपत्तियां
दाखिल करने का समय दिया गया है। जो आपत्तियां आएंगी उनको एक दो दिन में हम लोग उसका निस्तारण करेंगे और उसके बाद आरक्षण वाली जो सूची है वो चुनाव आयोग को दे दी जाती है। उसके बाद का पूरा कार्यक्रम, कितने चरण में चुनाव होंगे, कब कब चुनाव होंगे, कब किन जिलों में होंगे, ये सारा का सारा जो विषय है वो चुनाव आयोग का की परिधि में आता है। उसके बाद का सारा निर्णय चुनाव आयोग करेगा, उसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। और वे राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव सफाई पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब की बार 2024 में दिल्ली में बीजेपी बनेगी या नहीं ये उत्तर प्रदेश तय करेगा और आरक्षण पर सरकार घपला कर रही है। राम गोपाल यादव ने कहा कि नियम अनुसार आरक्षण नहीं दिया गया था। तैयारी चुनाव में हमेशा जीतने के लिए की जाती है, परिणाम इधर उधर हो सकते हैं लेकिन तैयारी हमारी जीतने के लिए हर जगह पहले ही से है। गवर्नमेंट घपला कर रही है आज आरक्षण में, दर दर अभी तक न उनके वार्डों का आरक्षण नहीं किया, अपने नेताओं से पूछ के कर रहे हैं। नियमानुसार तो हो नहीं रहा कुछ, लेकिन बेनियम से भी जब लोग करेंगे तो और आक्रोश होगा और गवर्नमेंट इनके सब अब की हारेंगे। कहीं ये नगर पर मानते हैं कि इनका ही आधिपत्य रहता है, सारा आधिपत्य जनता तोड़ देगी, आज जा चुकी इनके शासन से। और वह यूपी में नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी मेगा अभियान के तहत सामाजिक न्याय का नारा देकर अंबेडकर जयंती और ज्योतिबा फुले की जयंती ये मनाएगी। स्थापना दिवस 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह ये मनाया जाएगा। इस दौरान हर जिले मंडल और बूथ में कार्यक्रम होंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए खासतौर पर अभियान तैयार किया गया है, पार्टी के मोर्चों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, भाजपा की सरकार जब से देश और प्रदेश में बनी सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पे हो रहे हैं तो दलित अल्पसंख्यक पिछले किसान मजदूरों पे हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने पापों को धो देना चाहती है, कम कर देना चाहती है। इसलिए अंबेडकर जयंती से एक सप्ताह तक दलितों को जोड़ने का कार्यक्रम बना रही है, कभी पसमंदा सम्मेलन सूफी सम्मेलन करा रही है, पिछड़ों को जोड़ने का कार्यक्रम बना रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस छलावे में अब न दलित आने वाला है, न पिछला किसान मजदूर अल्पसंख्यक आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जनता वोट के माध्यम से जवाब देने का काम करेगी। और वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी समाप्त करने पर बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है, बीजेपी उद्योगपतियों और बड़े कारोबारियों की है और इनका हर फैसला उद्योगपतियों के लिए होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। आखिरी सवाल में आपकी पत्रकारिता जाग गई। अभी तक तो जो सवाल आप पूछ रहे थे किसी के सारे पे पूछ रहे थे। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि आपके अंदर से सवाल कब निकलेगा। और ये सच्चाई है, याद कीजिए बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कि फसल बीमा करा लो, फसल बीमा करा लो। आज फसल बीमा से क्या किसान की मदद हो रही है, या फसल बीमा से जिन कंपनियों ने बीमा किया है उनको मुनाफा कम मारे हैं। एक भी किसान को ये सरकार मदद नहीं कर पाई। आलू का किसान बर्बाद हो गया। याद कीजिए सदन में मैंने खड़े होकर के कहा कि आलू की लागत की कीमत भी किसान को नहीं मिल रही और अगर वो कोल्ड स्टोर रखने भी जा रहा लाइन लंबी लंबी लगी है, लेकिन किसान को मदद नहीं मिल पाई। उसका क्या परिणाम हुआ, कहा कि हम आलू खरीदेंगे। आप बताओ सबसे अच्छी बेल्ट आलू की, यही फिरोजाबाद, यही शिकाबाद, यही टूंडला और आगे आप चले जाए फतेहाबाद से लेकर के खंदौली और उस इलाके में आगरा के इलाके में, बताओ एक आलू सरकार ने खरीदा हो तो बता दो। और वे राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आज धामपुर पहुंचकर मालवीय चौक पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने धामपुर के कन्या इंटर कॉलेज में नशा मुक्ति सामाजिक संकल्प समारोह समिति के आयोजित नशा मुक्त आंदोलन अभियान के कार्यक्रम में पहुंचे और वरिष्ठ अतिथि के रूप में राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा जय सिंह बिश्नोई और क्षेत्रीय विधायक अशोक कुमार राणा भी उनके साथ मौजूद रहे। मेरा नाम विकास कुमार है। ये जो मृतक हैं कौन है आपके? मामा के लड़का। कैसे हुई इनकी मौत? इनका उसको घर में से बुलाया रात को लगभग 2 बजे करीब, और उसको बुलाने के बाद उनके कुछ रिश्तेदार थे और ये। और वहीं एक दिवसीय दौरे पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अमेठी पहुंचे हैं, जहां पर गौरीगंज ब्लॉक के गड़ा माफी गांव में आयोजित सम्राट अशोक मौर्य जन्म उत्सव कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें शामिल हुए हैं। और इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा।
अभी चुनाव कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। भूपेंद्र चौधरी ने आज एक नया बयान दिया है, उन्होंने कहा सपा विशुद्धि जात की राजनीति करती है, इस पर आपका क्या कहना है? फिर से बोला। भूपेंद्र चौधरी जी ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि सपा विशुद्ध जाति की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुस्लिम का नारा देकर पूरे समाज को बांट दिया, देश को बांट दिया, और यही नहीं, ये नारा उनके लिए वोट लेने के अच्छा जरूर लग रहा है, लेकिन ये देश के बंटवारे की नींव डाल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पहले से समाज को बांटने के लिए कमर कस के काम कर रहे हैं, उनको हमें नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में चौपाल को संबोधित करती हुई सांसद ये कहती हुई दिख रही हैं और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है, क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। जो भी मरता है अब उसको केवल गोबर के कंडों से हम लोग जला दें, इसमें 1500-2000 में सारी रस्म रिवाज आएंगी गाय की, और आप लोग अगर कंडे बेचोगे तो आपके लाखों रुपए महीने के बिक जाएंगे, लाखों लाखों रुपए। फिर उसके बाद हमने एक समूह है लद्दाख में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि गधे बहुत कम हो रहे हैं। आखिर कितने दिन हो गए आप लोगों को गधे देखे हुए? कम हो गए हैं, चले गए हैं, धोबी का काम भी खत्म हो गया, गधों से कहां जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गधों से लेकर के उनसे दूध निकालना शुरू किया, और गधे के दूध से उन्होंने साबुन बनाया, और गधे का दूध का साबुन माना जाता है कि औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। एक बहुत मशहूर विदेशी रानी होती थी जिसका नाम था क्लियोपेट्रा, और वो गधे के दूध में क्या होती थी, नहाती थी। तो वो गधे के दूध के साबुन दिल्ली में बिक रहे हैं 500 रुपए का एक साबुन, क्यों नहीं हम लोग बकरे के दूध का साबुन बनाए। और डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल ने भनावपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत वैनिया में पंचायत भवन का उद्घाटन किया है। वहीं जगदंबिका पाल ने पार्टी के सदस्यता अभियान को शुरू किया और पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया है। विद्यालयों का फिर से नवनिर्माण हो, नवाचार शिक्षा में जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो स्कूल चलो अभियान योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया, वो योगी आदित्यनाथ जी इस बात के लिए संकल्पित हैं कि कोई एक बच्चा स्कूल से छूटने न पाए। इसमें न हम सपा की बात करते हैं, न बसपा की, न कांग्रेस की, न भाजपा की, न उसमें हिंदू की, न मुसलमान की, न दलित की, न आज नरेंद्र मोदी जी का संशोधक की योजना है कि सबका साथ सबका विकास सबका विकास। आज हर बच्चा शिक्षित, हर बच्चे को शिक्षा स्कूल में जाने का अवसर मिले, कोई बच्चा छूटने न पाए। और वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस रविवार को मसूरी से देहरादून आते समय खाई में जा गिरी है, जिसमें सवार 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही बस हादसे में एक महिला और एक युवती की मौत की खबर है, दोनों मृतका मां बेटी ये बताई जा रही हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ITBP कैंप के पास हुए हादसे के समय बस में 42 लोग सवार थे। वहीं हादसे को लेकर अधिकारियों ने बताया है कि घायलों को खाई से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर 3 की हालत नाजुक है। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर दुख जताया है, उन्होंने अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ये ट्वीट भी किया गया है, मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और स्थान घायलों का शीघ्र से शीघ्र उपचार करवाया जाए। संबंधित अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दे दिए गए। और वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बरेली रोड से लेकर काट गोदाम तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा है कि लंबे समय से सड़क को ठीक करने की मांग थी, लेकिन PWD के पास इसका कोई बजट नहीं था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हल्द्वानी के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
अभी 12 करोड़ का जो हमारा 2 लेन बन रहा है सड़क पहले से बना है, तो इस पर हम डामरीकरण सुदृढ़ीकरण, इसकी हालत बड़ी ख़राब हो रही थी, NHAI से लाके हमने PWD को ट्रांसफ़र किया है। दिशा की बैठक में ये तय हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ जो मंडी से 3 पानी तक 2 किलोमीटर और होगा, वो मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में करवाया है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, वो भी इसी के अनुरूप होगा। इसी तरह से वो भी इसी प्रकार की सड़क बनेगी जैसी कि ये नगर में बन रही है। तो ये पूरा 10 किलोमीटर का मार्केट जो है ये देखने लायक होगा, बहुत अच्छा बनेगा। और साथ में अभी 82 लाख रुपए फ्लाईओवर के लिए जो हमने दिलवाए थे वो यहाँ डिपार्टमेंट को मिल गए हैं, उसका फर्स्ट फेज का सर्वे भी हो गया है। अभी यहाँ के व्यापारी भाइयों से और अन्य भाइयों से, सारे लोग जितने भी हैं यहाँ, तो उनके साथ बैठक होनी है विभाग की, ताकि गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। टेलीफोन डिपार्टमेंट भी साथ में रहेगा उसमें, और वायर जिनके बिस्ते हैं नीचे, बिजली विभाग भी रहेगा। और वह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी और AJEE पेपर लीक प्रकरण में SIT को बड़ी सफलता मिली है। SIT ने पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी को 50,000 के इनामी संजय धारीवाल को गिरफ्तार कर लिया, और आज नारसन बॉर्डर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से SIT ने 4.25 लाख की नकदी, ब्लैंक चेक और एक गाड़ी भी बरामद की है। SIT द्वारा AJEE परीक्षा प्रकरण और पटवारी परीक्षा में विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक मेन षडयंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला, उसे 50,000 का इनाम IG गढ़वाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पर घोषित किया गया था, इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह AJEE परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहाँ पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहाँ पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहाँ टीम ने जाकर पूरी जांच करी है, जिसमें 4,25,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, जो परीक्षार्थियों द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए थे। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब तक कुल इसमें 38 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और इसमें मेन में जितने भी अभियुक्त थे सब पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही साथ जो उसमें अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी, उसमें भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है 14 के तहत उनकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए रिपोर्ट भी हरिद्वार SIT द्वारा भेज दी गई है। और वही चारधाम यात्रा शुरू होने में 1 महीने का भी समय ये कम बचा है, और ऐसे में सभी विभागों ने यात्रा को सही सलामत पूरा करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। और इसी के तहत हरिद्वार के ज्वाला पुल, रानीपुर झाल से कोर कॉलेज तक लगे सभी यूनिपोल और अवैध होर्डिंग्स को हटाने का काम ये शुरू कर दिया गया है। साथ ही सभी विभाग यात्रा को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर जो है पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है, इसको देखते हुए NHAI से संपर्क किया गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगे हुए हैं जो अवैध प्रतीत होते हैं, जिस पर NHAI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईवे 334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर NHAI के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ NHAI की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है, जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स को के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है, जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाई गई है, जो अब बिना अनधिकृत रूप से सरकार को भी कहीं इसमें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है NHAI को। इसको देखते हुए NHAI की अथॉरिटीज से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध वो तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराएं, जिससे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। चूँकि चारधाम यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर यात्री गाड़ियों से आते हैं, और इसमें जो बड़े बड़े होर्डिंग्स इस तरह के लगते हैं, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं ड्राइवर जो है उनका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, और जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसको देखते हुए ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और जो समस्त होर्डिंग पूरे NHAI पर लगाए गए उनको हटाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। और वही गंगोत्री नेशनल पार्क अप्रैल माह से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वही गंगोत्री धाम भी 21 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क को देखने के लिए देश विदेश से यहां पर पर्यटक पहुंचते हैं। इस दौरान रोमांच के साथ साथ पर्यटकों को हिमालय के तमाम भागों को देखने का मौका भी मिलता है। बीजेपी नेता जगमोहन रावत का कहना है कि देश विदेश से तमाम पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क में आने वाले हैं, और उनका हम स्वागत करते हैं। सीमांत बॉर्डर जो हिमालय पर्वत का हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये पर्यटक प्रेमियों के लिए खोल दिया गया है, और मैं अपने देश के विदेश के पर्यटकों से निवेदन करता हूँ, आइए
और नेशनल पार्क के अंदर ऐसे दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु, दुर्लभ पक्षियां हैं, साथ ही जो यहाँ की पीक, यहाँ का जो वातावरण, यहाँ का जो पर्यावरण है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ आए और नेशनल पार्क में घूमने के लिए आनंदित हों, और मुझे लगता है कि निश्चित आप सभी लोग अपने इस क्षेत्र में आने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।